इस समय एक के बाद एक देशों की कमर्शियल एयरलाइंस इसराइल के साथ अपनी फ्लाइट कनेक्टिविटी को फिलहाल के लिए तोड़ रही हैं, यानी इसराइल के लिए फ्लाइट्स के सभी ऑपरेशंस बंद कर रही हैं, और इनमें भारत की भी एयरलाइन शामिल है, जिन्होंने इसराइल जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल करके कस्टमर्स को टिकट का रिफंड वापस करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा दुनिया के तमाम देशों ने इसराइल से अपने अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसराइल डिफेंस फोर्सेस और हमास के आतंकियों के बीच का ये युद्ध जिस तरह की शेप ले रहा है उसको देखकर लग रहा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध की तरह ये युद्ध भी महीनों या फिर कुछ हफ्तों तक खींच सकता है। इसराइल इस बार गाजा पट्टी का नामो निशान मिटाने के ऊपर तुला है। दुनिया भर के कई सारे मुसलमानों में इस समय काफी आक्रोश है और इसराइल के प्रति काफी गुस्सा है। ऐसे में कल को अगर सीरिया, जॉर्डन या लेबनान की तरफ से और कोई आतंकी संगठन इस युद्ध में कूद जाता है, इसराइल के ऊपर मल्टीपल फ्रंट से अटैक होता है, तो ये युद्ध और भी लंबा खींच सकता है। इसलिए दुनिया का कोई भी देश इस समय अपने नागरिकों की सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है। भारत की बात करें तो भारत के लगभग 18 से 20,000 नागरिक इस समय इसराइल के अंदर है। इनमें से कई सारे वहां पर वर्क वीजा के ऊपर इसराइल में जॉब्स के लिए गए हैं, जबकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर स्टडीज के लिए स्टूडेंट वीजा के ऊपर इसराइल गए थे। खुशी की बात यह कि हमास ने जो इसराइल के ऊपर रॉकेट अटैक्स किए थे, जो आतंकी हमला किया था, उसमें एक भी भारतीय नागरिक की जान नहीं गई है और न ही कोई घायल हुआ है। आपको याद होगा रशिया यूक्रेन युद्ध के समय भी भारत के 20 से 22,000 नागरिक यूक्रेन में फंसे थे और युद्ध गंभीर होने के बाद उनको यूक्रेन से इवैक्यूएट करने में भारत की सरकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इसराइल के अंदर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इससे पहले भारत की मोदी सरकार ने इसराइल में फंसे भारत के नागरिकों को इसराइल से सेफली इवैक्यूएट करने का फैसला किया है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर रात को भारत की सरकार ने इसराइल में फंसे सभी भारत के नागरिकों को वहां से सेफली इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। इस चीज की जानकारी देते हुए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर सर ने कहा कि भारत की सरकार इसराइल में फंसे सभी भारतीयों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स का इंतजाम कर रही है और भारत के लोगों का पहला ग्रुप आज इसराइल से भारत के लिए वापस रवाना हो जाएगा। इससे पहले एक दिन पहले भारत की जो इसराइल में एम्बेसी है उसने इसराइल में फंसे सभी भारत के लोगों के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए थे और एम्बेसी के साथ कॉन्टैक्ट साधने के लिए बोला था। इसराइल में फंसे जिन भी भारतीय लोगों ने एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करके भारत वापस आने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया है, उन सब के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज की गई हैं। चार्टर्ड फ्लाइट्स का मतलब है कि भारत की सरकार कुछ प्राइवेट एयरलाइंस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके कमर्शियल प्लेन को हायर करेगी और उनको इसराइल भेजा जाएगा और फिर वहां से भारत के लोगों को उस कमर्शियल फ्लाइट में भारत वापस लाया जाएगा। इस समय इसराइल का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर इतना ज्यादा खतरा नहीं है, इसलिए भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को इवैक्यूएशन प्रोसेस में डिप्लॉय नहीं कर रही है। अगर आने वाले समय में इसराइल के एयरपोर्ट के ऊपर हमले होते हैं, हमास इसराइल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाता है, तो फिर हो सकता है कि भारत की सरकार इसराइल से इवैक्यूएशन ऑपरेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स का भी इस्तेमाल करे या फिर इसराइल के पड़ोसी देशों में प्लेन्स भेजकर वहां से भारतीय लोगों को वापस लाया जाए, जैसा यूक्रेन के केस में किया था। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों और खासकर नेपाल के भी कई सारे नागरिक इस समय इसराइल में फंसे हैं और हो सकता है कि भारत सरकार अपने पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी इसराइल से इवैक्यूएट करे, क्योंकि हम ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं।